amazing session of ours, bache. If you're present for this video, kids, I would request all of you to go and like this video. Do not forget to share this video with your friends. And bacho, hamare channel ko bhi aap zarur se subscribe kar lena. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन किड्स. एंड आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, तो आज हम जानेंगे किड्स दैट हाउ करेंसीज टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री. ठीक है, करेंसी देख के किड्स, किसी कंट्री के रुपए देखकर हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि वो कंट्री डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन है या अंडर डेवलप्ड नेशन है. ठीक है, तो मैं बात करती हूँ किड्स करेंसी की. अगर तो मैं आपको ये बता दूं बच्चा, दैट यू कैन टेक अ कंट्री करेंसी एंड कंपेयर इट विद सम अदर कंट्री दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, तो अगर आपको किसी कंट्री के बारे में पता करना है बच्चों कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड, अभी तक इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप किसी एक डेवलप्ड कंट्री की करेंसी को देखकर बच्चों आप पता कर सकते हो किड्स कि उस अंडर डेवलप्ड कंट्री का करेंसी कितना इक्विवेलेंट है. जैसे अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूं किड्स, तो हमारा एक इंडियन रुपी, राइट, मतलब हमारे 75 इंडियन रुपीस है ना, इज इक्विवेलेंट टू वन डॉलर. ठीक है, मतलब कि हम बच्चों $1 इज इक्वल टू आर 75 रुपीज, राइट. 75 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, राइट, नॉट दैट बिग बट ऑफ कोर्स बिग, राइट. हमारे 75 रुपीज बच्चों के एक डॉलर के बस इक्विवेलेंट है. इट मींस कि यूएस हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. ओके, सो नाउ किड्स मैं आपको बता दूं बच्चा कि पॉपुलर करेंसी की अगर मैं बात करूं किड्स, तो डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, फ्रैंक, ये कुछ पॉपुलर करेंसीज हैं. ठीक है, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं बच्चों, तो कंट्री है यूएसए, करेंसी है यूएस डॉलर. एंड ऑफ कोर्स बच्चे, जैसे मैंने बोला कि हमारा 75 रुपीज उनके एक डॉलर के इक्विवेलेंट है. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात करूं किड्स, तो कंट्री है यूके, करेंसी है ब्रिटिश पाउंड. ओके, एंड हमारे 100 रुपए बच्चों उनके ब्रिटिश पाउंड, एक ब्रिटिश पाउंड के इक्विवेलेंट है. अगर मैं यूरोप की बात करूं किड्स, तो यूरोप इंक्लूड्स ऑल द कंट्रीज एंड द करेंसी इज यूरो. एंड बच्चों हमारे 84 रुपीज किड्स उनके एक यूरो के बराबर है. अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं किड्स, तो साउथ अफ्रीका इज द कंट्री, करेंसी इज रैंड एंड इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज 5, विच मींस बच्चे कि हमारा 5 रुपया उनके करेंसी के, एक करेंसी के बराबर है. ठीक है, कनाडा की बात करूं किड्स, तो कनाडा, कैनेडियन डॉलर 59 रुपीज बच्चों इंडियन इक्विवेलेंट. सो इट मींस बच्चे कि हमारा 59 रुपीज उनके एक कैनेडियन डॉलर के इक्विवेलेंट है. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं किड्स, तो कंट्री ऑस्ट्रेलिया, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इक्विवेलेंट इंडियन रुपी 52. इट मींस बच्चों कि 52 रुपीज किड्स हमारा एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर है. ब्राजील की बात करूं किड्स, तो कंट्री रियल, इक्विवेलेंट इंडियन रुपी 14. ठीक है, इट मींस बच्चों कि हमारा 14 रुपीज किड्स एक रियल के बराबर है. अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं किड्स, तो द करेंसी इज टाका, इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज 0.87. ठीक है, एंड जापान की बात करूं किड्स, तो करेंसी इज येन एंड इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज 0.65. चाइना की बात करूं किड्स, तो करेंसी इज रेनमिनबी एंड इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज 12. ठीक है, सो दैट्स इट बच्चा, दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बच्चों. एंड मुझे कॉमेंट में जरूर बताना किड्स कि विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट आफ्टर कमिंग टू नो द करेंसी डिफरेंस. ठीक है, तो आपको करेंसी डिफरेंस पता लग गया है बच्चों. अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी कंट्री में जाकर के शॉपिंग करना चाहोगे. ठीक है, सो दैट्स इट बच्चों फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. दिस इज योर मास्टर टीचर फिरदौस साइनिंग ऑफ. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून.